गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उसमें भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजर अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुलाहा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को संस्कृत भाषा के जानने वाले। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई, जब हम शिक्षित हो गए, समझन जोगे हो गए। अब देखिएगा, अब ये है कबीर सागर, अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। अब ये है कबीर सागर, अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, यहां से ये प्रकाशित है, और इसका यहां लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में, तो ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है, यहां देखिएगा। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत लिखा, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूं, जन्म पोथी, जन्म पत्री, इनकी जन्म तिथि। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना, आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, गॉड गॉड, आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता, ये राम है नाम नहीं, सब गलत पिंड है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा,
काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब में मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ते आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। ये धर्मराय काल को भी कहते हैं। ये काल ज्योतिरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो, ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। होय होय, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपर ले किनारे पर। अलक निरंजन सुन ठिकाना, सुन यानी ऊपर वो कम प्लेस में या अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं होली। अलख निरंजन बड़बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये, बड़ा ठग है बटपारा, मान छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तीन के सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। तीन के पुत्र हैं तीन, यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं, और ये अंधर जीव अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। कहते तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान, और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते, ये झूठा है, कपटी है, झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का, वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर। उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में, जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले, क्योंकि तीन दिन का सत्संग, तीन का भी ढाई दिन का समझ लो ये, तो इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा, उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह के गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरमर नहीं है, ये नाशवान है, ये पूजा के इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु हो तो मैं मोक्ष कैसे देंगे, हमें मोक्ष चाहिए। गीता जी वाला, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ऊपर लटके हुए ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इसकी शाखाएं हैं, और तत्वदर्शी संत वो होगा जो इसके सभी भाग बता देता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्मा अब्रह्म विष्णु महेश ही नाशवान और ब्रह्म गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म है। ये चौथे अध्याय के पांचवें नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में, दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म विनाशवान, और कबीर परमात्मा कहते हैं थर पकड़ थर रहिए। अब जैसे आपने किसी टहनी को पकड़ कर ऊपर उठना चाहे हुआ नीचे आके टिकेगी तो उसके साथ ऊपर कैसे जाओगे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।